हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, जिस घर का मालिक ही चोर हो वो अपने परिवार को क्या सिखाएगा, चोरी करना ही सिखाएगा। फ्रेंड, आप सभी को बता दूं कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा विद्यार्थियों को एक एक करके लगातार झटका लग रहा है। 23 कॉलेज का मान्यता हो सकता है रद्द, अब छात्र कहाँ जाएंगे? चलिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो कौन कौन सा कॉलेज है जिनका मान्यता रद्द हो सकता है, आखिर ये कार्रवाई क्यों की जा रही है। चलिए, मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फ्रेंड, आप यहाँ एक पेपर कटिंग के माध्यम से देख सकते हैं जो कि दैनिक भास्कर में छपा है। जेपी विश्वविद्यालय के 23 अंगीभूत कॉलेजों में 25 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं देने पर कोर्ट ने UGC को मान्यता समाप्त करने का निर्देश दिया है। चलिए फ्रेंड, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं वो कौन कौन से कॉलेज हैं जिनका मान्यता रद्द की जा सकती है। फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं ये रहे कॉलेज के नाम, कितनी राशि दी गई जिनका हिसाब अभी तक नहीं दिया है कॉलेज ने। भोला प्रसाद सिंह कॉलेज 58,70,429 रुपये, देखिए इनको दिया गया है लेकिन ये हिसाब नहीं दिए हैं। उसके बाद PN सिंह डिग्री कॉलेज, यहाँ आप देख सकते हैं 13 लाख रुपये मात्र कॉलेज है, इसका फुल नेम नहीं दिया गया है। गोपेश्वर कॉलेज यहाँ पर देख सकते हैं, हरिराम कॉलेज देख सकते हैं, होतीलाल रामनाथ कॉलेज, यदुनंदन कॉलेज, जगदम कॉलेज, जगलाल चौधरी कॉलेज, JPM कॉलेज, लोक महाविद्यालय हाफिजपुर, महेंद्र महिला कॉलेज, नंदलाल सिंह कॉलेज, नारायण कॉलेज, PC विज्ञान कॉलेज, प्रभुनाथ कॉलेज, राजा सिंह कॉलेज, राजेंद्र कॉलेज, गंगाराम कॉलेज, राम जयपाल कॉलेज, श्री महेंद्र दास कॉलेज, विद्या भवन महिला कॉलेज, जाकिया अफारू इस्लामिया कॉलेज तथा अंत में आप एक देख सकते हैं बहुत बड़ा नाम है जिसका आप यहां पर देख सकते हैं, JP विश्वविद्यालय। इनको 5 करोड़ रुपया दिया गया है JP विश्वविद्यालय को, लेकिन इसने भी अभी अपना हिसाब किताब UGC को नहीं दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ, जिस घर का मालिक चोर हो वो अपने परिवार को क्या सिखाएगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इतना रुपया UGC की तरफ से इन सभी को मिला है, लेकिन अभी तक ये लोग हिसाब किताब नहीं दिए हैं। चलिए, क्या कहती है रिपोर्ट, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड, आप लोग यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2 हफ्ते में मांगी गई सूची और कार्रवाई संबंधित आदेश। वेटरन्स फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी संस्था के महासचिव डॉक्टर BNP सिंह द्वारा दायर याचिका में कोर्ट ने 2 हफ्तों में विश्वविद्यालय और कॉलेजों द्वारा किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र का डिटेल, यानी कहां कहां राशि खर्च की गई है और जिसने राशि नहीं लौटाई है उन पर क्या कार्रवाई की गई है, इसका रिपोर्ट मांगा है। साथ ही उसकी मान्यता समाप्त करने का आदेश देने को कहा है। आपको बता दें कि जब याचिका दायर की गई थी उस वक्त कुल 287 करोड़ रुपये बकाए थे, जिसमें 100,14,19,524 रुपये का हिसाब दी गई है, करीब 107 करोड़ रुपये का हिसाब देना है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं जमा राशि में 6 करोड़ कैश भी लौटाया गया है। तो फ्रेंड, देख सकते हैं आप कैसा कैसा खेल हो रहा है JP यूनिवर्सिटी में। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं 2008 से 2012 वर्ष में दी गई थी राशि, रिकवरी होगी। सचिव सेवनित विंग कमांडर डॉक्टर BNP सिंह ने बताया कि UGC को हिसाब हर मद में देना होता है। इस संबंध में UGC ने कई बार पत्राचार भी किया, इन रुपयों का दुरुपयोग किया गया है, कॉलेज अगर राशि नहीं लौटाते हैं तो उनकी मान्यता जाएगी, ऐसे में छात्रों के सामने भविष्य पर सवाल आ जाएगा। इसमें कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रशासन को यथाशीघ्र पहल कर उपयोगिता देना चाहिए ताकि बच्चे की भविष्य को बचाया जा सके, नहीं तो कॉलेज और विश्वविद्यालय की गलती का खमियाजा लाखों छात्रों को भुगतना पड़ेगा। तो फिर इस तरह से आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 23 कॉलेज दिख रहा है जिन्होंने अभी तक UGC को अपना हिसाब किताब नहीं दिया है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि कितना कितना रुपया इस कॉलेज को दिया गया, और ख़ास बात यह है कि यहाँ JP यूनिवर्सिटी को 5 करोड़ 2 लाख रुपये दिया गया है, लेकिन उसने भी अपना हिसाब अभी तक UGC को नहीं दिया है।
तो फ्रेंड ये बहुत ही बड़ी खबर है, छात्रों के साथ खिलवाड़ ही हो रहा है। फ्रेंड ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, आगे जो भी जानकारी आती है आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाएं ताकि आने वाली सभी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिले। फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।